गांव का डॉक्टर कैसे बने, इस तरह के मेरे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं कि सर गांव का डॉक्टर हम कैसे बने, यानी गांव में अपना उपचार केंद्र खोलना चाहते हैं, गांव में हम अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, गांव में हम उन जरूरतमंद लोगों का इलाज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आज के इस सेशन में मैं इसी पर चर्चा करूंगा, आपको उन तमाम जो लीगल गतिविधि है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो गांव के डॉक्टर के संदर्भ में बात करूंगा। गांव के डॉक्टर बनने के लिए आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप लीगल तरीके से डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह होगी कि आपको प्रॉपर तरीके से इसकी पढ़ाई करनी होगी, और 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जो है गांव का डॉक्टर बन सकते हैं, जिसमें आपको अंग्रेजी दवाओं के बारे में बताया जाएगा, प्राथमिक उपचार के बारे में बताया जाएगा। ये कोर्स जो होता है एमबीबीएस नहीं होता है, ये कोर्स बीडीएस नहीं होता है, ये कोर्स होम्योपैथ का नहीं होता है, ये कोर्स सिर्फ 2 साल का होता है, जिसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर को पास करना अनिवार्य होता है, हर 6 माह में 1 सेमेस्टर आपको पास आउट करना होगा, जिसमें आपको शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको रोग के बारे में बताया जाता है, जिसमें आपको रोग का निदान कैसे किया जाए इसके बारे में बताया जाता है, आपातकाल स्थिति में कैसे आपको काम करना है ये बताया जाता है। ये तमाम चीजें आपको बताई जाती है, सिखाई जाती है। 2 साल का समय होता है, और 2 साल का समय आप अगर देते हैं तो आप गांव का डॉक्टर बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस कोर्स को ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप जहां भी हैं आप कर सकते हैं। वे तमाम लोग भी कर सकते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं या एक मेडिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवा दे रहे हैं, किसी डॉक्टर के अंडर में रह करके काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस कोर्स को कर सकते हैं। दूसरा फायदा क्या है कि इस कोर्स कि जो फीस होती है वो भी काफी कम होती है, बहुत ज्यादा फीस नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें एमबीबीएस की बात करें तो इस कोर्स की फीस बहुत ज्यादा नहीं होती, एमबीबीएस की कोर्स फीस जो होती है बहुत ज्यादा होती है, लाखों में होती है। लेकिन जो ये कोर्स है, जो गांव का डॉक्टर बनने वाला कोर्स है, ये कोर्स जो है इसकी फीस जो है होती है आपकी बहुत कम होती है, यानी हम ये कहें कि इसकी फीस जो होती है 1 लाख से नीचे होती है, यानी ये भी क्रॉस नहीं करता। इस कोर्स का नाम है सीएमएस एंड एडी, ठीक है, और पूरी दुनिया में यह कोर्स अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है ना, माननीय कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड है, और दुनिया के जितनी भी काउंसिल्स हैं उनके द्वारा अप्रूव्ड है। आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के बाद आप प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और आपको ना तो कोई ड्रग इंस्पेक्टर परेशान कर सकते हैं और ना ही आपको कोई सीएमओ परेशान कर सकता है। अब इस कोर्स को करने के लिए आपको सबसे पहले एसएसटी इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन मोड में कोर्स होता है, इस समय एडमिशन ओपन हो चुके हैं और ये एडमिशन अभी चल रहा है, कुछ दिन बाद एडमिशन ये क्लोज होगा, ठीक है। ये सेशन, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, आप एसएसटी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर के उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह कोर्स हिंदी मीडियम में होता है, कई लोगों का पूछना होता है कि कोर्स किस भाषा में होगा, तो आप जो है कोर्स हिंदी माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई क्लिनिक अपना चलाते हैं, अगर आपके पास कोई वैलिड डिग्री नहीं है, आपके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सीएमएस एनईडी का कोर्स जरूर कर लें, ताकि अगर कहीं कोई बात आए, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप कौन से डॉक्टर हैं भाई, तो आप कम से कम ये तो लिख सके कि मैं अपने डॉक्टर के साथ सीएमएस ईडी शब्द लिख सकते, जैसे सब लोग अपनी डिग्री लगाते हैं तो आप भी अपनी डिग्री तो लगा सकते हैं। अगर कोई अधिकारी आई जाए जांच करने के लिए, पूछ दे कि हाँ भाई आपने क्या किया, किस आधार पे आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, किस आधार पे आप अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए, कोई लाइसेंस तो होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। अगर वो लाइसेंस है तो आप एक वैलिड डॉक्टर माने जाते हैं और फिर आपको कोई परेशान भी नहीं करता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है और केवल अनुभव के आधार पर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो तमाम तरह की परेशानियां आपके साथ आएंगी, कभी सीएमओ का छापा पड़ेगा, कभी ड्रग इंस्पेक्टर का छापा पड़ेगा, कभी किसी का, यानी परेशानियां आपके साथ चलती रहेगी।
और सबसे बड़ी बात क्या है, एक बड़ा पेनफुल शब्द मिलता है तब, अगर बगैर सर्टिफिकेट के आप काम कर रहे हैं, बगैर पढ़ाई के काम कर रहे हैं, तो आपको एक शब्द से नवाजा जाता है, झोला छाप डॉक्टर। तो झोला छाप डॉक्टर कहलाने से अच्छा है कि आप किसी वैलिड डिग्री के साथ, वैलिड सर्टिफिकेट के साथ आप काम करें और वह आपके लिए बेहतर होगा। तो SST इंस्टीट्यूट से CMS एंड ED कोर्स करना आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए बेहतर होगा। हर कदम पे SST इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स को, अपने जितने भी CMS ED डॉक्टर्स हैं उनका सपोर्ट करती है, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो या किसी प्रॉब्लम्स की बात हो, तो हर जगह। और दूसरी बात, पहली बात तो कोई प्रॉब्लम्स आपको आती ही नहीं है, आज तक अभी देखा गया है कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई। और SST इंस्टीट्यूट पे भारत के जितने भी लोग हैं, या फिर CMO की मैं बात करूं, या उन्हें मालूम है कि SST इंस्टीट्यूट एक वैलिड कॉलेज है, एक वैध कॉलेज है, और ये अपने आप में एक अनूठा कॉलेज है। यहाँ पे स्टडी आप क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता, आपके सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन से लेकर के हर एक चीज SST इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन स्थिति मिलती है आपको। यानी आपकी जांच, चाहे वो CMO हो चाहे DI हो, पूरी लाइफ टाइम एक कीपर, एक कीपर एक सेकेंड में वो कर सकते हैं कि आप एक वैलिड डॉक्टर हैं या फर्जी डॉक्टर हैं। ये तमाम तरह की बातें आपको मिल जाती है SST इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। एडमिशन ओपन हो चुका है, आप एडमिशन करा सकते हैं, एडमिशन ऑनलाइन मोड में ओपन है, आप 5 मिनट में अपना एडमिशन बुक कर सकते हैं।